नमस्ते हिंदुस्तान, हम बलराम किसान हैं और आप है ओ टू पार्क में। मेरे साथ कुछ टीम है जिससे आपका भी परिचय हो जाए, आपको भी परिचय हो जाए और आपसे भी मेल मिलाप हो जाए। मेरे साथ है विंग कमांडर अंजलि, ओ टू पार्क को जो लीड कर रहे हैं, और साथ में कुछ मित्र हैं जो यूरोप से आए हैं, उनका परिचय मैं आपसे कराता हूँ। हाय अंजलि। हेलो, नमस्कार। पूरा भारत ही नहीं, विश्व सुन रहा है आपको। सो हम आज यहाँ गौशाला में एकत्रित हुए हैं और कुछ मित्र आए हैं, तो परिचय थोड़ा सा दीजिए कि इटली और यूरोप में भी ओटू पहुँच रहा है और किन के थ्रू पहुँचने वाला है, उनका भी परिचय कराइए। आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट टू वेलकम मनीष, हु इज एन इंडियन बट ही इज हैविंग अ इटालियन नेशनैलिटी। सो आई वुड लाइक टू वेलकम हिम हियर। वी आर प्रेजेंटली सिटिंग इन गौशाला, हिंगोनिया गौशाला, एंड ही हैज कम ऑल द वे फ्रॉम इटली टू इंडिया एंड टू विजिट दिस गौशाला, एंड विद अ ग्रेट हार्ट ही हैज विजिटेड द कम्प्लीट एरिया, कम्प्लीट स्पेस। So, Manish, welcome to India, your own country. And hi, Manish. Hello, namaste. You can introduce also, then I'll speak ahead. Yes. Hello, namaste, Hindustan. Balram sir से मिलके और Anjali ma'am से मिलके बहुत अच्छा लगा, और जो भी O2 के बारे में है, हम यूरोप में लेके जा रहे हैं इसको जी आने वाले टाइम में। अभी कुछ टाइम और लगेगा इसको यूरोप पहुंचने के लिए। काफी कुछ आप मेरे से चर्चाएं कर रहे थे, काफी कुछ कनेक्ट हो रहे थे, क्या देख रहे थे, क्या समझ रहे थे यूरोप में रहकर, हिंदुस्तान को कैसे देख रहे थे और O2 पार्क को कैसे लीड कर रहे थे, थोड़ा बताइए। कि O2 पार्क को मैं ऐसे लीड कर रहा था कि जो चीज इंडिया आज दे रहा है पूरी दुनिया को, हाँ, वो कोई भी नहीं दे रहा है जी, वो यूरोप में भी नहीं है। जो यूरोप इंडिया से 50 साल आगे बोलते हैं हम जी, टेक्नोलॉजी के मामले में यूरोप इंडिया से 50 साल आ गया जी। जो O2 पार्क है और भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे नहीं है, आज इंडिया में है सिर्फ जी। जैसे मैम ने बताया होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा वहाँ पर है ही नहीं, वहाँ पे है ही नहीं जी। और हम आने वाले टाइम में इसको यूरोप में लेके जा रहे हैं, पूरे यूरोप में। मनीष, आपका थोड़ा बैकग्राउंड और पूरा परिचय दीजिए, आप यूरोप में कब से हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे। मैं यूरोप में 14 साल से हूँ जी, और मेरे पापा 85 से हैं यूरोप में। ओके, ये मान लो कि मेरा बचपन यूरोप से शुरू हुआ है। अच्छा, ओके। और मैं एक सीपिक कंपनी में जॉब करता हूँ। ओके। और मेरी स्टडी स्कूल और कॉलेज यूरोप से ही हुई है। ओके, यूरोपियन भाषा भी फिर आती होगी आपको। हाँ, पूरी आती। कुछ थोड़े दो शब्द बताएंगे इंट्रोडक्शन आपका यूरोपियन लैंग्वेज। बोनासेरा, मे क्यामो मैनिश और 29 एनी विवा रोमा। ओके, ये हो गया कि गुड इवनिंग, मेरा नाम मैनिश है, मैं 29 ईयर्स का हूँ और मैं रोम में रहता हूँ। क्या बात है। So you that O2 is coming to you, Europe, if you can say this. Coming soon. O2 sta venendo in Europa e presto faremo tutto quello che è possibile per O2. Okay, thank you, Manish. और साथ में आपके पार्टनर भी हैं, तो पहली बार कैमरे में आने में थोड़ा सा झिझक रहे हैं। Let me tell about her that she is a postgraduate in organic chemistry and she is doing her B.Ed now, right now. Okay. And she'll be finishing the B.Ed next year from okay. Jaipur. Okay. And then she also intends to join, though her passion is to teach okay. in colleges, chemistry, Ji. But she is a strong backing support for Manish for okay. joining O2 and maybe pursuing him to process with the O2 thing. So thank you so much, Sonu, for being a great support. Ji. And मेरा ये कहना था कि हमारी भी चर्चा हुई, discussion हुआ that though Europe is quite far ahead of India in a lot of things, technology, innovations, but there are a lot of things which India can offer to you in terms of the traditions, the culture of India, which is strongly embedded in it, whether you call it meditation, yoga,
naturopathy, Ayurveda. It's an ancient old art, unmatchable in terms of, with respect to anything which India can offer to the European platform. And yes, we are going to be right there in Europe with naturopathy, with Ayurveda, yoga, meditation, Vedic interaction studies, and maybe subsequently Gurukulam, which I think is the call of the day. Yeah. Presently, a lot of people from Europe, they come to India during their vacations, during their hardship type thing, you know, when the summer is too strong, they want to just relax and they want to come to India. So they want to come and relax, detox themselves and go for some kind of meditation, some yoga thing. So they come here for 10 days, a month or so, and they bring their colleagues, they bring their family members. So yes, we do have the platform to offer here, and we can also offer the same platform at your place, at your convenience, at your timing in Europe. So wait and watch, we are going to be soon there. Maybe sometime in October, November, December, we are going to land up in Europe. Meanwhile, we are doing our homework and we are preparing our team. I will take this platform, this opportunity to spread this message across to everyone. If anyone who is interested to join OTU as Acharya in naturopathy or as pranic healer, yes, or in the Reiki or energy exchange techniques, yes, or in Panchakarma, Ayurveda. So we are more than willing to adopt you all with open hands. You are welcome. So please contact us. Yes. And we may interact and we can, plan for better teams, more number of teams, because now we need more number of teams. Yes. Yes. So other than this, we have some other platforms also. We have some items which are required, the utility items which are required for the European market. Some requirements have come up. We are studying on that. What is the bulk need for the small items, very small items, the cutlery, crockery, which Europe want to change. They also want to go for zero plastic, no plastic zones. Mm-hmm. So a lot of items which are made up of plastics, they want to change it. And we can help it out by providing them the natural material. Like bamboo, disposable, yes, which can be recently reused, which will not cause any harm to the environment, to the climate. Okay. So we are working on that, and whatever the bulk requirement is, we will try and meet that. So that's it. We will probably be wrong too. Yes. Thank you. Thank you, Manish. Thank you, Shami. और मनीष आए हैं अभी ओटू के साथ कुछ समय बिताने के लिए, कुछ समय हिंदुस्तान में रहेंगे और ओटू की कई सारी विधाओं को देख रहे हैं, जैसे फार्मिंग है, द नेचुरल हैबिटेट है और कुछ बैम्बू के प्रोडक्शन हो रहे हैं वो, और साथ में छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पर ओटू सस्टेनेबिलिटी को लेकर जा रहे हैं, वहाँ मनीष कुछ समय बिताएंगे, रीड करेंगे, सीखेंगे और फिर यूरोप पहुँचेंगे, और उनके साथ साथ ओटू भी यूरोप में आ रहा है। थैंक यू।